अस्सलाम वालेकुम वॉरियर्स, कैसे हो? ठीक हो? क्रिकोमेडी देख रहे हो? क्रिकोमेंट्री देख रहे हो भाई की? तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? लाइक करो, कमेंट्स करो। वीडियो सारी देख रहे हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना कमेंट्स कर रहे हो। ऐसे हमें कैसे इंप्रूवमेंट का टाइम मिलेगा भाई? कैसे मौका मिलेगा कि मैं भी इंप्रूव करूँ? तो ये जो नीचे लाइक का बटन है, इसको भी दबाया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो। छू दो इस लाल बटन को और दिखा दो अपना प्यार। तो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिकमेंट्री। और कल जो है वो पाकिस्तान के 3 मैचेस हुए हैं। आप जानते हो कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान और नेदरलैंड्स प्लस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये तीनों मैचेस पाकिस्तान के ही थे बेसिकली, क्योंकि भाई हम लोग इनके ऊपर डिपेंड जो कर रहे थे कि भाई वो जीत जाए वो हार जाए तो फिर हम लोगों का कोई चांस बन जाएगा। तो बांग्लादेश ने तो अपना काम कर दिया भाई, बांग्लादेश ने हरा दिया जिम्बाब्वे को। बेशक लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और वो भी सारे पहले तो जश्न मना रहे थे कि जी मैच जीत गए, फिर थर्ड एम्पायर ने कहा भाई वापस आओ, नो बॉल हो गई है और आगे दोबारा करो। तो फाइनली अपना बांग्लादेश जीत गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान का और नेदरलैंड्स का मैच था, तो पाकिस्तान भी मैच जीत गया। वह इसको मजीद बेहतर करके हम जीत सकते थे, 11वें 12वें ओवर में पूरा कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों ने 11 बॉलों पे 10 स्कोर किया, एंड पे ख़त्म किया उसको। तो अपना हारिस रऊफ यार कमाल का भाई बॉलर है, और आजकल पता नहीं किस बात का गुस्सा, बॉय को पकड़ के उसका मुंह ही फाड़ दिया उनके नेदरलैंड्स के प्लेयर का। तो यार थोड़ा हौसला करो तुम्हें, कोई बात नहीं, हम हार जीत होती रहती है, टेंशन ना ले, अपनी परफॉर्मेंस दो और सुकून करो। तो उसके बाद जी फिर तीसरा मैच था इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया वो हार गया। इसमें पता नहीं क्यों अपने कोहली भाई ने सिर्फ कसम खाई हुई कि पाकिस्तान को ही पेलना है, पाकिस्तान को फेंटा लगाना है उसको, और किसी मैच में वो चल नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों गुस्सा हमारे साथ ही सिर्फ। तो पर कोहली भाई ग्रेट हो आप, लेकिन कैच भी छोड़ना तो यार, आपने तो कभी फील्डिंग में इतना किया नहीं है, आपने कल कैच भी छोड़ दिया और ना बैटिंग कर सके हो। सूर्या कुमार यादव ने कमाल की बैटिंग की थी, लेकिन केएल राहुल भी फारिग रहे, अपना कोहली भाई भी फारिग रहे, रोहित शर्मा भी, और फील्डिंग में रोहित शर्मा ने भी ऐसी है, उसको भाग के भी वो तो आउट कर सकता था रन आउट, लेकिन पता नहीं क्यों बॉल मिस कर दी भाईजान ने, दूर से बस ऐसे करके बॉल फेंकी है रन आउट करने के लिए। और हम लोग जो पिछले मैच में, पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैं कह रहा था कि भाई पता कुछ नहीं है, क्योंकि उनका डीकॉक और जो उनसा रायली रूस है वो बड़े फॉर्म में है, वो दोनों तो आउट हो गए हुए थे पहले। यार कमाल के उन्होंने मतलब पावर प्ले के अंदर अंदर ही 40 स्कोर और 3 विकेट ले चुके हुए थे पावर प्ले के अंडर ही, लेकिन उसके बाद 11वें 12वें ओवर के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो मार्करम और दूसरा जो सा मिलन है, इन दोनों को क्या गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने फेंटा लगाना शुरू किया। और अश्विन साहब ऐसे हैं कि वो जब बॉलिंग कर रहे थे उसको जब शॉट पड़ती थी तो वो यकीन ही नहीं उसको आ रहा था कि मुझे छक्का पड़ गया वह। तो बहरहाल इस तरह का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इंडियन टीम ने भी अपनी बहुत एफर्ट किया है, उसने अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद शामी ने भी बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दी है, और इस तरह करके, लेकिन कुछ स्पिनर्स थे और कोई एफर्ट्स नहीं, जो कि कहते हैं कि कैचेज विन द मैचेस, तो वो जो कोहली भाई ने कैच इतना क्रूशल मिस हुआ, उसके बाद रोहित शर्मा से जो आउट नहीं हो सका रन आउट, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जो मौसमी कीड़े हैं, जो के फैंस ऐसे हैं जो सिर्फ साल में एक दफ़ा क्रिकेट देखते हैं, वो भी मैच देखते हुए कह रहे हैं कि नहीं जी ये मैच फिक्स है, इंडिया वालों ने फिक्सिंग कर ली हुई है और इन्होंने हमारी वजह से कि हम लोग आगे ना आ जाएं तो हमें इन्होंने आउट ऑफ दी वर्ल्ड कप करने के लिए इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, टीम के मैचेस देखकर उनको पता चल रहा था कि उन्होंने कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दी है, एफर्ट किया है, बस वो अब किसी ना किसी टीम को तो जीतना होता है। और अब सवाल आ जाता है कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है या नहीं, तो भाई अभी भी कुछ चांसेस हैं, अभी हमारा साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, बांग्लादेश के साथ मैच है, हमें चाहिए कि हम उसमें मजीद अच्छा परफॉर्म करें और इन मैचेस को विन करें। लेकिन सिर्फ हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही नहीं हम रिलाई करेंगे, हमारा तो जीतना ऑब्वियस है कि हम लोगों को जीतना पड़ेगा, ऑब्वियस वो नहीं कि हम जीत जाएंगे, हमारा जीतना ऑब्वियस है, हमारे लिए जीतना ऑब्वियस है कि हम लोग मैच जीतेंगे। और उसके बाद फिर हम फिर भी रिलाई कर रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका हारे कोई एक आधा मैच कोई मत, क्योंकि आजकल बारिशों के भी चांसेस हैं, बारिशें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, अथॉरिटीज़ खुद हैरान है कि यार हमारा जो एनालिसिस था उसके मुताबिक इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें अचानक हो रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी वजह से काफ़ी टीम्स को एडवांटेज हुआ, जैसे कि जिम्बाब्वे को देख लो पॉइंट मिल गया था, उसके बाद उधर से आयरलैंड जो है उसको पॉइंट मिल गया था इंग्लैंड के साथ, तो अभी आयरलैंड भी ऊपर आ रहा है उस टेबल में, तो आजकल बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। सो हम लोग दूसरी टीमों के हारने का भी, और फिर देखें कि आगे जो बारिशों की वजह से कोई अगर हमें एडवांटेज मिल सके तो हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वैसे हमारा कोई चांस नहीं लग रहा अगर हम जीत भी जाएं, लेकिन हमारे फिर भी जो मैन इन ग्रीन है इनको चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करें अपनी तरफ से और आगे देखें, फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो जो कि पहले से छोड़ते आ रहे हैं, हमें तो पहले चाहिए था कि अच्छा परफॉर्म करते और हम लोग किसी को ऐसे चांस ही ना दें कि हम लोग फिर
दुआएं कर रहे हो, काले जादू कर रहे हो, या किसी को जरसूमे दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो अपना कप्तान जो है वो फिर नहीं चल पाया। लेकिन इस दफा कप्तान का कसूर नहीं था भाई, वो जरा रन आउट हो गया, कोई सिलसिला हो गया उनके साथ, और बाकी टीम ने एफर्ट किया है। रिजू भाई जबरदस्त किस्म का 49 करके आउट हो गए, लेकिन सेंचुरी नहीं कर सके हाफ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और तुम जीतो या हारो, हमें तो तुमसे प्यार है ही है। आप लोग भी थोड़ा ख्याल कर लो हमारे लिए, मैचों को जीतो, ताकि हमें भी कोई इस तरह की क्रूशल सिचुएशन जो इस टाइम हमारे मुल्क की चल रही है, हमें कोई अच्छी चीज़ मिले इंटरटेनिंग के लिए। बाकी यार वो बात करें, जिम्बाब्वे का जो प्रेसिडेंट है वो आजकल बड़ा इंटरनेट पे वही छाया हुआ है। वो बार बार पाकिस्तान को कह रहा है जी कि नेक्स्ट टाइम जो है हमें नेक्स्ट रियल बीन हमें भेजना। तो भाई आप लोगों ने हमसे मांगा ही क्यों था? पहली बात तो ये, आप लोगों को अगर मिस्टर बीन चाहिए था तो आप लोग जाके लंदन से रब्ता करते, जहाँ पे जॉनी साहब बैठे हुए हैं। तो आप लोग हम लोगों से क्यों मंगवा रहे थे? फिर मंगवाया भी आपने किसी अथॉरिटी के बंदे से नहीं, आपने किसी बिजनेसमैन से कह के मंगवाया। उसने तो अपना ही फायदा करना था, जो आपको फेक मिस्टर बीन भेजा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली। बट फिर भी आप लोगों को भी थोड़ा करना चाहिए था। अब आप इस चीज़ के ऊपर दूसरों को बात करो तो दैट इज़ नॉट फेयर। आप लोग अगर ऑफिशियल काम करना चाहते थे तो ऑफिशियल काम करते। आपको फेक बीन जो चेप दी है किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने, तो उसमें बाकियों का क्या कसूर है? जो आप हमें बार बार ताना दे रहे हो कि जी व्हाट अ विन, और जी पाकिस्तानियों नेक्स्ट टाइम रियल बीन भेजना, मिस्टर बीन फिर देखेंगे। तो बहरहाल यार, कमिंग टू द कंक्लूजन, अभी हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, और बेस्ट ऑफ लक टू द मैन इन ग्रीन कि ये मैचेस को जीतें और आगे हमें कोई फेयर एडवांटेज मिल जाए। अगर बारिशों की वजह से तो हम लोग शायद वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, क्वार्टर फाइनल खेल के, तो देखो क्या बनता है। और ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में, बस इतना ही है यार। ये रेड बटन को प्रेस कर दो एक दफ़ा सब्सक्राइब करके, और अपना प्यार दिखाओ, कमेंट्स किया करो, ताकि पता चले कि मज़ीद क्या इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और चैनल कुछ थोड़ा रनिंग में आ सके। तो इसी के साथ दुआ करेंगे आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किल में आसानियाँ फरमाएँ और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमाएँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना और इस चैनल को भी याद रखना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।